जनपद फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र के सेक्टर एक में हैदराबाद से लौटी एमबीए की छात्रा को कोरोना संदिग्ध के तौर पर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। वहीं इस छात्रा के पूरे परिवार को आइसोलेटेड करने के साथ ही मोहल्ले को भी सैनिटाइज किया गया है। फिरोजाबाद के दक्षिण क्षेत्र के सेक्टर एक में हैदराबाद से लौटी एमबीए की छात्रा सचिता पुत्री मनोज कुमार को कोरोना संदिग्ध मिलने पर जिला प्रशासन ने आनन फानन में रात को आइसोलेटेड वार्ड में भर्ती करवाया। मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवार के लोगों को भी आइसोलेटेड वार्ड में सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं पूरे मोहल्ले को आनन फानन में जिला प्रशासन ने पूरी तरह से सैनिटाइज किया। अभी फिलहाल पिता पुत्री और अन्य लोग आइसोलेटेड वार्ड में भर्ती हैं और रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। इस संदर्भ में नगर निगम के अधिकारी प्रकाश कुमार और एम्बुलेंस चालक ने जानकारी दी। और ये पूरे शहर भर में हमारी युद्ध स्तर पर कार्रवाई चल रही है। इस समय हमारी 40 मशीन मॉर्निंग में और 60 इस केस को लेकर क्या अभी तक अपडेट है? नहीं, इससे नहीं, हमारा तो रूटीन हमने अपना रखा है। सभी लोगों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सोडियम हाइपोक्लोराइड से पूरे शहर को सैनिटाइज। तो इस केस में अभी तक क्या सुनने में आया? कुछ है केस से हमें कोई जानकारी नहीं है। तो बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं। कोरोना पेशेंट से पीड़ित मरीजों के लिए बुलाया गया है। यहाँ कम से कम 1.5 घंटा हो गया और गाड़ी खड़ी है, पेशेंट आने को तैयार नहीं। पेशेंट मना कर रहा है और हम जम से यहीं खड़े हैं। क्या इस परिवार का पहले भी कोई पेशेंट अस्पताल में आइसोलेट हुआ है? पता नहीं, लगभग में 5 पेशेंट बताए गए हैं। 5 पेशेंट बताए गए हैं आपको? जी, और एक भी अभी आने को तैयार नहीं है। हम जब से यहाँ गाड़ी लेके खड़े हैं, काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं और पेशेंट आने के लिए बराबर मना कर रहा है। कोई अधिकारी आप लोगों के लिए है? हाँ, अभी सूचना की गई है। देखो,